हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी अड्डा। इससे पहले मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया था उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए थे, प्रोविजंस बताए थे। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा। उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरे पास टी एस ग्रेवाल की बुक है, आप जल्दी से ओपन कर लीजिए। इसका पेज नंबर है 2.83। नई बुक है, नया सेशन, नई सेशन इसी सेशन की। चलिए इसमें देखते हैं इससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 27। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है। नीलकंठ की कैपिटल है 10 लाख और महादेव की कैपिटल है 10 लाख। नीलकंठ का करेंट अकाउंट 1 लाख है और महादेव का करेंट अकाउंट 1 लाख है। पी एंड एल अकाउंट है 2019-20 के लिए 8 लाख और ये आपको दिया हुआ एसेट्स में 30 लाख। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग पर 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 इज ₹10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये एक क्वेश्चन है और इसमें आपको केवल करना क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर है 27 और इसका जो पेज नंबर है वो है 2.83। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये है इसका पेज नंबर। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या करना है। पहले हेडिंग देंगे इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने इसको हेडिंग बनाया। प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है आपको, पहला है आपका नीलकंठ, नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नीलकंठ की कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में ₹10 लाख और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 5% पर एनम। 5% कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 50,000, उम्मीद समझ में आया होगा। और दूसरा इसमें महादेव, महादेव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल भी 10 लाख है, अभी आपने पढ़ा था। 5% से कितना होगा, वही 50,000। आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोनों की कैपिटल हालांकि सेम थी, दोनों का रेट भी सेम है, दोनों के अमाउंट भी सेम है आंसर, तो आप चाहते तो एक ही लाइन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नीलकंठ एंड महादेव ईच करके और फिर 10 लाख इंटू 5% कर देने 50,000, यहाँ आ जाते 50,000 ईच, तो वो एक ही लाइन में भी हो सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसके अगले वाला दिया हुआ है 28। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। फिर लॉन्ग की और शॉर्ट की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कुछ असेट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू रिजर्व। 150 में से 1 लाख ट्रांसफर हो चुका है, कितना बचा होगा, 50,000 प्रॉफिट, ठीक है। अब लॉन्ग की और शॉर्ट की आप कैपिटल निकालेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30 तक के क्वेश्चन बन रहे हैं और अगर नहीं आता कोई भी क्वेश्चन तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, कर दीजिएगा उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन को मेरे को खींच कर दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो कि सैलरी और कमीशन टू पार्टनर से रिलेटेड है। जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 31, अमर, भानु और चारू 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। अमर और भानु आर गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 पर एनम ईच एज दे मैनेज द बिजनेस। दे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 480,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत जल्दी से, कैसे करेंगे तो इसको करने के 2 तरीके हैं। हालांकि ये प्रॉफिट की शेयर की केवल बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, तो इसको चाहे तो वर्किंग नोट इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक सुटेबल और सही प्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भले ही क्वेश्चन नहीं कह रहे, एक वर्किंग नोट में उसको बना सकते हैं।
तो जल्दी से इसका 31 पेज नंबर है इसका 2.84, ठीक है। चलो इसको जल्दी से देखते हैं। तो यहां बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। डेट नहीं है, अगर डेट नहीं दी हुई है तो कुछ नहीं, आपको बस एंडिट करके छोड़ देना है। फॉर्मेट सभी को आता है, मैंने इससे पहले बताया आपको, नहीं पता तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, क्या है ये, प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, कितना है नेट प्रॉफिट दिया हुआ 4,80,000। इसको जल्दी से क्रेडिट में नोट करेंगे, फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले क्रेडिट में क्या करते हैं, प्रॉफिट को नोट करते हैं, और क्रेडिट में आने वाले आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्वेश्चन में है नहीं, नहीं लिखेंगे इसलिए। सैलरी दी हुई है तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, टू सैलरी, टू पार्टनर्स, एक हेडिंग बनाएंगे और इसमें जिस जिस पार्टनर की सैलरी होगी उसको लिखेंगे, अमर और भानु, तो अमर की सैलरी कितनी है और भानु की कितनी है, दोनों की सैलरी अलग लिखेंगे, कितनी कितनी सैलरी है, 1,20,000 बराबर ईच, ईच का मतलब है कि दोनों को 120 120 मिलता है, टोटल होगा 2,40,000, उम्मीद समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्या करना है हमको, इसको क्लोज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका टोटल होता है 4,80,000, 4,80,000, और इस 480 में से हमने इसको माइनस किया, कितना बचता है, 2,40,000 बचेगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब कैपिटल कह दिया है इसमें क्वेश्चन में, कैपिटल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो उसको हम कैसा मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, तो अमर भानु और ये हो गए आपके चारू कैपिटल अकाउंट, ये आप कितना बचा, 2,40,000, कैसे बचा, ये मैंने ये वाला 240 नहीं लिया है, इसमें से इसको माइनस करते जो बैलेंस बचा है वो लिया है, मल्टीप्लाई में रेशियो क्या है, रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, जब रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो किस रेशो में बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं, इक्वल माने अमर भानु चारू 1 1 1 मींस 1/3 ईच हो गया, तो 1/3 ईच हो गया, तो इसका मतलब हो गया इन तीनों कितना मिलेगा, इससे कैंसिल करता हूँ, 3 8 24 80,000 ईच, 80,000 80,000 एंड 80,000, इसी के साथ ये क्वेश्चन बोर्ड पर हो गया। इसके लिए जरूरी है आपको फॉर्मेट का पता होना, फॉर्मेट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको आप एक बार दोबारा देख लें, और चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी केस समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि फर्म के लिए एक इनकम है, फर्म के लिए क्या है, एक इनकम है, और एक देखा जाए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, एक एक्सपेंस है। फिलहाल ये जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो फर्म की बुक में कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब भी निकालेंगे तो उसके लिए कुछ केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब निकालते हैं तो आपको जो ड्रॉइंग दी हुई है वो ड्रॉइंग अलग 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 तरीके से गिविन होगी। कभी कहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर्स अमाउंट इज विदड्रॉ, कभी कहेगा 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो कुछ अलग अलग केसेस हैं। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे और टाइम पीरियड अगर अलग अलग गिवन हो तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखिए इसके लिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे तो इसमें हम मंथ्स निकालने होते हैं। वो मंथ्स कैसे लेते हैं, इसका फॉर्मूला है पीरियड लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला है। कैसे इसको यूज करेंगे मैं जनरली आपको समझा देता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर है, उसने क्या करा, 2000 पर मंथ निकाला एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। चलिए इसको हम जल्दी सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे आपको क्लियर होगा। तो देखो इसने टू, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी लेने लगे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो कितना है, सपोज दैट 10% पर एनम है। अब देखो इसने ड्राइंग शुरू की अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अब सपोज इसने जो कब किया है ड्राइंग, इसने किया है बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब है फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट हर एक में फर्स्ट में किया होगा, लास्ट ड्राइंग इसने यहाँ की होगी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके मंथ लेने के लिए, मैंने कहा इसने पहली ड्राइंग कब की होगी, इसने पहली ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल को की होगी अगर ये बिगनिंग होता मंथ करता है, और लास्ट ड्राइंग जो इसने करी होगी इस ईयर की वो करी होगी फर्स्ट मार्च को। फॉर्मूला अगर मैं पुट करता हूँ तो ये पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहले ड्रॉइंग की, इसके अंदर पीरियड कितना बचा, तो जो पीरियड बचेगा इसने फर्स्ट अप्रैल को निकाला, तो अप्रैल मंथ भी पूरा काउंट करेंगे और मार्च तक का काउंट करेंगे, माने पूरा होल कितने हुए 12 मंथ, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा लेंगे। प्लस इसने लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी, फर्स्ट मार्च को की होगी, माने 1 मंथ लास्ट का बचाओ, केवल मार्च ही मार्च का लास्ट ड्रॉइंग के बाद में डिवाइडेड बाई टू 13 मंथ डिवाइडेड बाई टू, तो इसका मतलब इसको 13/2 भी कह सकते हैं, 6.5 मंथ भी कह सकते हैं ऑन एन एवरेज। अब मैं अगर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, सबसे पहले से 2000 पर मंथ निकाला है, लेकिन मुझे चाहिए एनुअल ड्रॉइंग, ये मंथली ड्रॉइंग है, मुझे चाहिए एनुअल, तो अगर मैं 12 का मंथली पे कर दूँ तो क्या हो गई, एनुअल ड्रॉइंग हो गई। मल्टीप्लाई इसका रेट कितना था, 10% का रेट था, और अभी जो मैंने इसमें एवरेज पीरियड निकाला था 6.5/12 या 13/2 कुछ भी आप ले सकते हैं, तो मैं इसमें ले रहा हूँ 6.5, ये तो लिया ही लिया, इसमें 12 से और डिवाइड करना है मंथ बनाने के लिए, तो 6.5/12, 12 का मंथ आपको लगाना है अपनी साइड से फॉर्मूले में। सॉल्व करते हैं, 1 2 1 2, इस पॉइंट से ये कैंसिल कर दिया, 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, 65 2 जा 130, ठीक है, तो ये हो गया 1300, इसकी जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग आएगी वो 1300 आएगी। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर ये बिगिनिंग की जगह सपोज मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालना होता तब क्वेश्चन में क्या आंसर आता, तो मिडिल का मतलब इसने यहाँ की होती पैटर्न 15 अप्रैल को और यहाँ की होती इसने 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद इसमें टाइम कितना बचा, इसमें बचा आपका 11.5 मंथ, आया ना बस, अरे 12 में से आधा महीना गया वो हटा दीजिए, और लास्ट ड्रॉइंग करने के बचा केवल आधा महीना 0.5, सॉल्व किया तो 12/2 टोटल हो गया आपका 6 मंथ। तो अगर मैं अब इसमें ड्रॉइंग निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, तो इसमें 2000 फिर इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूंगा एनुअल ड्रॉइंग कन्वर्ट करने के लिए, रेट लगाऊंगा 10/100 और अब क्या मंथ लूंगा 6/12, मुझे लेने ही लेना है, पहले भी लिया था अभी भी लेना है, सॉल्व करूंगा 0 से 2 0 कैंसिल किया, 12 से 12 कैंसिल किया, 6 2 12 1200 इसका आंसर होगा, राइट। एक लास्ट में आपको एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर देता हूं इसमें, कि अगर ड्रॉइंग इसने की है एट द एंड ऑफ द मंथ, मिडिल की जगह अब इसने किया एंड, एंड माने पहले ड्रॉइंग इसने 30 अप्रैल को की होगी, लास्ट ड्रॉइंग इसने की होगी 31 मार्च को, तो अब मैं इसका अगर एवरेज टाइम लेता हूँ तो यहाँ पर 30 अप्रैल का था 1 मंथ खत्म हो गया, 12 में से बन गया तो 11 मंथ, और लास्ट मंथ हमारा पूरा जा चुका है, जीरो बचेगा लास्ट ड्रॉइंग के बाद में, तो ये हो गया आपका 5.5 मंथ। इसको हम सॉल्व करते हैं दोबारा से, वही 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू रेट 10/100 और मल्टीप्लाई बाई 5.5 बोल सकते हैं, और 12 का डिवाइड तो करना ही करना है,
जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो गए, 55 टू जा 1100। तो इस तरीके से ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो रहा आपका कैलकुलेशन, जब भी आपको करना हो तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। या दूसरा इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए। अभी जो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के बाद जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। देखो नॉर्मली जो ड्राइंग की जाएगी वो या तो की जाएगी 12 मंथ्स के लिए, और जब 12 मंथ्स के लिए करेंगे तो इसमें भी वो बताया है, या तो क्वेश्चन बनेगा कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है बी फॉर बिगिनिंग, या मिडिल पे कर रहा है एम फॉर मिडिल, और या फिर कर रहा है ये एंड। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि ये है 12, 12 का मिड, मिड माने हाफ, हाफ माने एवरेज, अगर मैं इसका करता हूँ तो 12 में 2 से डिवाइड करूंगा तो मिड में आप आँख बंद करके 6 मंथ लगा देना। इससे पहले मैंने अभी आपको जो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 13 प्लस 1 11 प्लस 1 कितना करके आया था, वो करके मैंने बताया था, तो मिडिल करने के लिए ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको बिगिनिंग निकालना है तो बिगिनिंग के लिए इसमें 0.5 प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ, और एंड के लिए आप कर लेंगे इसमें 0.5 माइनस तो ये हो गया। मतलब जो कुछ करना हो इसी में करना, पहले मिड निकाल लीजिए फिर मिड में से प्लस कर लेंगे 0.5 और इसमें माइनस कर लेंगे 0.5। क्लियर है? कभी कभी 12 मंथ ना करें, हो सकता है कि 9 मंथ उसने ड्राइंग की हो, अगर 9 मंथ में ड्राइंग करेगा तो वही फिर तीन तरीके से करेगा, आइदर बिगिनिंग और मिडिल और एंड। अब क्या फिर हम करेंगे, 9 का हाफ 4.5 मंथ, मिडिल के लिए 0.5 प्लस करेंगे तो 5 मंथ, और एंड के लिए 4 मंथ। वही केस किया मैंने, 0.5 प्लस और इसमें 0.5 माइनस। अगर मान लो 6 मंथ के लिए ड्राइंग करने को बोल दे तो क्या करेंगे, 6 मंथ को ड्राइंग करेगा तब भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, बिगनिंग मिडिल और एंड हाफ करेंगे 3 3.5 और 2.5 मंथ्स। लेकिन अगर इसने ड्राइंग की क्वार्टरली, क्वार्टरली ड्राइंग की है इसने, ठीक है ना, तो आपको पता है कि 4 मंथ होते हैं, होते नहीं होते हैं 1 ईयर में 4 मंथ होते हैं, तो ये या तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर निकालेगा, या मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर निकालेगा, या एंड ऑफ द एवरी एवरी क्वार्टर निकालेगा। तो बिगिनिंग के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, क्वार्टर के लिए 12 का हाफ 6 मंथ लेंगे। इसमें अब की बार हम यहाँ लिया था 0.5 0.5 0.5 0.5 था, यहाँ लेंगे 1.5, तो ये बिगनिंग तो हो जाएगा 7.5 और एंड हो जाएगा आपका 4.5 मंथ्स। ये आपका ट्रिक है, चाहो तो इससे हो जाएगा, और आप इस ट्रिक के पर आप कोई भी अगर फॉर्मूला लगा के देखते हो तो आंसर यही आएंगे। दूसरा क्या है कि इसमें आपको डिवाइडेड बाई 12 जो सभी में करना ही करना है, ठीक है ना, इन सभी में आपको डिवाइडेड बाई 12 तो करना ही करना है पहली बार। दूसरा क्या है कि आपको अगर सपोज देयर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं पता कि ये सिर्फ ड्राइंग एक लमसम अमाउंट दे दिया कि एक्स ने 20,000 निकाला, अब नहीं पता कि 20,000 उसने कब निकाला, तो उसके लिए हम हमेशा 6/12 लेके चलेंगे। क्लियर है? तो ये था इसका सिंपल मेथड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में आपको जैसे ड्राइंग में आपको निकाल के बता देता हूँ, कहते कि एक मान लो राम है, उस राम ने 1,000 रुपीज निकाले हैं मंथली पर मंथ, और इसने क्या निकाला है, इसने अब क्या हम ले लेते हैं, चलो यहाँ 9 मंथ ले गए, 9 मंथ की ड्राइंग की है, 9 मंथ की ड्राइंग की है, और इस पर जो रेट है वो है 10% का। कैसे निकालेंगे आईओडी, तो 1,000 अब की वजह से 9 मंथ ड्राइंग की है तो इसलिए 9 का करेंगे, कब की है, अब सपोज अगर बिगिनिंग की है तो बिगिनिंग के लिए ले लेंगे 5/12, अगर मिडिल किया होता तो इसकी जगह ले लेते हम, ये नहीं लेते फिर ले देते 4.5/12, और अगर एंड लिया होता तो 4/12। तो तीनों में से जैसी कंडीशन बनती वैसे लगा लेते हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर रेट लगाते, रेट कितना है इसका 10%, सॉल्व कर लेते आंसर आपके सामने होता, जो भी होता निकाल के बता देना क्या आंसर है तीनों में, करके देख लीजिएगा। एक होता आपका प्रोडक्ट मेथड, ये तो सिंपल मेथड था वो, तब जब इसने ड्रॉइंग मंथली बिगनिंग मिडिल एंड क्वार्टरली बिगनिंग मिडिल एंड इस तरीके से की हो, लेकिन अगर इसने ड्राइंग की हो कुछ अलग तरीके से,
जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर है, कौन था क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा सही है। देखो जरा 43 है इंटरेस्ट ड्राइंग का, इससे पहले वाले तो उसी तरीके केसेस की हैं। 43 वाला क्वेश्चन देखिए, 43 में कह रहा है कि कनिका एंड गौतम दो पार्टनर हैं, दोनों का ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है लखनऊ में, और ये शेयरिंग करते हैं 2:1 में। कैपिटल इनकी 5 लाख 4 लाख की है। कनिका विड्रू करती है अमाउंट हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए 1 अप्रैल को, फिर 1 जून को, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। पहले हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं, इसमें कोई बिगिनिंग ईयर का तो वो नहीं आ रहा कि, चलो देखते हैं जरा। तो अप्रैल मई जून 2 महीने गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो इसमें जो ड्राइंग का टाइम पीरियड दे रखा है ना, वो टाइम पीरियड क्या है, हॉचपॉच तरीके से दिया हुआ। तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इसमें 43 का बस एक पार्ट बताऊंगा। 43 के अंदर किसकी ड्राइंग निकाल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ इसमें कनिकाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कनिकाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ लिखता हूँ डेट, किस किस डेट में इसने ड्राइंग की, इसने डेट की है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल में कितनी ड्राइंग की है इसने, एक कॉलम में ड्राइंग का बना लेता हूँ। 1 अप्रैल में ड्राइंग की है इसने 10,000, एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। दूसरी ड्राइंग इसने की है 1 जून, और 1 जून में कितनी की है, ये की है 9,000। फिर इसने की है 1 नवंबर, 1 नवंबर में कितनी ड्राइंग है इसकी, 14,000। और फिर है इसकी 1 दिसंबर, दिसंबर में है ड्राइंग इसकी 5,000। चलिए इजी है, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये हो गया ड्राइंग, अब हम इसमें निकालेंगे मंथ्स। मंथ्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हर एक डेट को आपको 31 मार्च से काउंट करना है, 31 मार्च ईयर वगैरह जो भी दे रखा हो, नहीं है चलो कोई नहीं, 31 मार्च से काउंट करना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ आएंगे, राइट। 1 जून से 31 मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ होते हैं, 10 मंथ होते हैं। नवंबर से लेते हैं नवंबर दिसंबर, नवंबर को भी स्टार्टिंग में से नवंबर को भी काउंट करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ होते हैं, और ये होता है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ होते हैं। अब मैं निकालूंगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, जिसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, किसका बटे ड्रॉइंग इंटू मंथ, ड्रॉइंग इंटू मंथ इक्वल्स टू प्रोडक्ट। 12 का 10,000 में किया, इजी कैलकुलेशन, 1,20,000। 10 का 9 में गए 90,000। 14 का 5 में किया 70,000, और 20,000। इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है, ये होता है 20,91,83 लाख। इसका टोटल होता है 3। चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी मैंने निकाला 3 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट कितना है, रेट जल्दी से क्वेश्चन से उठा लीजिए, रेट दिया हुआ है कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, 6/100। और ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्रोडक्ट मेथड वाले इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो यहाँ हमको अपने साइड से 1/12 लगाना है, इसमें इसमें से कुछ भी नहीं लेना। मैं बस आपको ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया है कि जब भी प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो 1/12 प्रोडक्ट मेथड में 1/12 को लगाना है। इस 0 से दोनों 0 कैंसिल किए, 6 से कैंसिल किया, 2 टाइम और 2 का डिवाइड किया, तो ये होंगे 1500 इज द आंसर। इसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होगा, 1500। उम्मीद है आपको प्रोडक्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हो, फिर भी ना आए तो एक बार और देख सकते हो, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मुझे व्हाट्सएप नंबर 8439757965 व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। या कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो, कॉल के लिए मुझसे नंबर यूज कर सकते हो 8439974622, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।